तो ये जो ट्राइबीज है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मार्क भी कर लो बुक में, मार्क। तो आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। सो वी हैव टू एंगल्स, ठीक है, जिनके लेट्स बीच में से। डिफरेंस हाँ, और उन्होंने एक और चीज बोली है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? दोनों के टू एंगल्स के सम 90 डिग्री होते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दी उसने कि दो एंगल हैं, एंगल वन और एक एंगल टू, जिसका जो अगर हम डिफरेंस ढूंढे तो एंगल जो होगा वो 12 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल 42 90 में से 12 माइनस नहीं 30। करते। देखो इन दोनों का डिफरेंस 12 बोल रहा है वो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब मैं इन दोनों को सम करूं क्या वो आना चाहिए आ रहा है? 90, 90, 72 तो आ इसका रहा। मतलब ये गलत है, जो मैंने ऑप्शन चुने हैं वो गलत है। इज इट मेकिंग सेंस? तो यू यस हैव टू थिंक लॉजिकली कि मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 12 आए, अगर मैं उन दोनों को प्लस करूं तो 90 आए। ठीक है, टेक टू आए। मिनट्स, टेक 2 मिनट्स, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले खुद करने की कोशिश करो। What is your thinking process? फर्स्ट वाले को जैसे फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल है उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 12। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 90 से भी 12 माइनस करते हैं और जो आंसर आता है उसमें से भी 12 माइनस करते हैं फिर दोनों को प्लस करते नहीं हो रहा। अच्छा, थोड़ा इजी तरीके से सोचते हैं, लेट्स थिंक लॉजिकली। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस 0 है। ओके, और दो नंबर हैं जिनके बीच का दोनों को ऐड करके 90 आता है। तो ऐसे सोचो, मम्मी और पापा ने मिलके आपको 90 रुपीज दिए। ओके, मम्मी एंड पापा ने जितने पैसे दिए उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो 0 होता है। क्या बता सकते हो कि मम्मी पापा ने कितने दिए? मम्मी पापा ने दिए पूरे के पूरे 90 तो मम्मी आए। ने कितने दिए, पापा ने कितने दिए? अच्छा मम्मी और पापा ने, मम्मी ने दिए कि 45 और पापा ने दिए 45। है ना, बहुत ही आसान है। तो अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पर बनाऊं तो बिल्कुल ही बीच में आएगा 45, है ना, हाँ यस क्योंकि डिवाइड हो गया, डिवाइड बिल्कुल डिवाइड हो हो गया, गया। आधे मम्मी ने आधे पापा ने। प्लस करोगे तो 180 वेट। अगर हम प्लस तो करेंगे तो 180। बट इनके बीच का डिफरेंस नहीं। हाँ, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है क्या? नो तो सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं आ रहा था, आपने वो तो चेक करा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सोचो उसके बारे में कि भाई क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना प्लस कर देंगे, ऐसे थोड़ा ना माइनस कर देंगे। आर यू गेटिंग? क्या माइनस यस करके आ रहा है क्या? 110 नो माइनस 70 क्या 20 आ रहा है? नो, नहीं आ रहा। नो नो कितना आ नो रहा नो है, कितना आ आ रहा रहा है 70 में यहाँ पर 40 आ रहा है। है? 40 आ रहा है। और इन दोनों को देखो, 37 यहाँ पे 33 और कितना आना 19 चाहिए? 20
यहाँ पर 2012 आना चाहिए। नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 24। क्या गड़बड़ हो रही है? ये देखो पैटर्न, गड़बड़ में भी पैटर्न है। देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो ये डबल है उसका। पर डबल आ रहा है, और पिछले वाले में उसके पैटर्न का भी इसमें भी डबल आ रहा है, जैसे हमें अभी क्या इसमें भी करना डबल आ रहा है, चाहिए? तो इसमें डबल आ रहा है, डिवाइड अगर डबल आ हो रहा गया, है तो इसका मतलब हमें आधा कर देना चाहिए। तो हमें डिवाइड कर दो। हाफ इधर प्लस करना चाहिए और हाफ इधर, समझो बात को, ओके, आधा आधा बात। आधा आधा बांटो ना। सो बिकॉज गैप फिर 20 का हो जाएगा ना। अगर हम 0 पे खड़े हैं तो अगर मैं 10 इधर जाऊंगा, बराबर हो गया, 10 इधर जाऊंगा तो गैप कितना आया, तो फिर आया 20, 20, तो 20 का। फिर मिला के गैप। समझ में आई बात? तो अगर मैं +10 करूं और -10 करूं तो क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। यहाँ पर अब 80, चेक, और इसके बीच का डिफरेंस भी वही है। हाँ, हंड्रेड में देख रहे हो अब सही आ रहा है। सम 180, डिफरेंस 20। कुछ समझ में आई बात? जरा इसको कॉपी करो और इसके अंदर क्या आंसर होगा वो बताओ। यस, मैं बोला है अब फर्स्ट वाले में, इसमें इस वाले में बोला है कि 12 का डिफरेंस होना चाहिए, 12 का हाफ होता है 6, तो आप 6 है 57, जैसा यहाँ पर वो पहले का आंसर है ना, तो वो तो समझ लो हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू है 57 और दूसरे की वैल्यू है 33, यही है ना क्वेश्चन। सम जो है 90 था, मुझे डिफरेंस जो है वो 12 चाहिए, बताओ आंसर क्या होगा। ओके, हाँ 45, तो फिर 45 में से 1 में 6 प्लस कर देंगे और 1 में 6 माइनस कर देंगे 45, तो फिर आ जाएगा आंसर इसमें 51 और 51, और उधर आ जाएगा 49। तो फिर अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 12। हो गया और यस 90 हो गया, और समझ में आया। यस लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल करके नहीं करते, हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें तो मेथड दिखाना पड़ेगा। ये लॉजिकली करना अच्छा है, बट हमें इसको मैथमेटिकली भी इसको करके दिखाना पड़ेगा जो अब मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि पहले लॉजिक आना चाहिए, अब उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तब यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, हम पहले लिख देंगे लेट एंगल सेकेंड एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, मैं सेकेंड क्यों ले रहा हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं ले रहा, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ही क्योंकि में ना उसी से माइनस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं पहली बात। तो दूसरी बात, सेकेंड जो है ना वो माइनस के साथ है, तो जब वो उधर जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, तो वो आसान हो जाता है। अगर मैं फर्स्ट लूंगा ना तो ये माइनस 2 रह जाएगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, हमेशा मैं सेकेंड यस ऑर्डर यस लेता हूँ। ठीक है, यस, वो स्कूल में भी बताया गया है, तो वो टीचर हमेशा सेकंड वाला ही लेती है। हाँ, लेट सेकेंड एंगल बी एक्स, तो फर्स्ट -x = 12। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, 12 प्लस एक्स, तो मेरे पास फर्स्ट एंगल आ गया 12 + x और सेकेंड एंगल आ गया एक्स। तो मुझे पता है एज
वी नो एज वी नो फर्स्ट प्लस सेकेंड का आंसर जो है वो 90 है ना, ये पता है ना हमें, बोला हुआ उसने. फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट की वैल्यू हो गई ट्वेल्व प्लस एक्स, प्लस ये वाला प्लस, ठीक है. और सेकेंड की वैल्यू कितनी हो गई, सेकेंड की वैल्यू, अच्छा हाँ वो एक्स नहीं थी, वो तो दो और एक्स कैसे आ गया, ये वाला x है ना, सेकंड की वैल्यू x है. तो मतलब 12 प्लस x वो फर्स्ट की वैल्यू है. हाँ तभी तो मैंने ब्रैकेट डाला है. अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, 12 प्लस x प्लस x इक्वल्स 90. यहाँ वाला x वहां करके करूं माइनस हो जाएगा. x प्लस x कितना होता है, x प्लस x इज इक्वल्स टू x, x ही होगा. अच्छा जी, एक पेंसिल 2x 2x. हाँ एक पेंसिल दो आपको और एक पेंसिल दो, तो आपके पास कितनी पेंसिल हो गई, टू पेंसिल, इजंट इट, समझ में आई बात. तो आज से पेंसिल का नाम x, x प्लस x 2x. बट मेरे को एक क्वेश्चन है कि इसे हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस में भी x आएगा या प्लस में वो नहीं आएगा, 2 प्लस x इक्वेशन तो ये बनती है ना, 2 प्लस x क्योंकि मल्टीप्लाई में 2x हो जाता है. नहीं देखो एक और चीज समझाता हूँ, 3 प्लस 3 कितना होता है, 9 कह रहा हूँ, और 3 प्लस 3 अगर मैं इसी मेथड के तरीके से चलाऊं तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 3, जिसका आंसर क्या होता है, 6. समझ में आया मैं, 3 प्लस 3 का मतलब होता है 2 टाइम्स 3, ठीक है ना, 2 टाइम्स 3, तो x प्लस x 2 टाइम्स x, तो इसका मतलब 2 टाइम्स x, इसका मतलब 2x. क्या लॉजिक समझ में आया, यस. जरा इसको कॉपी कर लो, ये जितना भी पार्ट अभी मैंने समझाया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलजेब्रा के लिए. इसी तरीके से x प्लस x प्लस x कितना होगा, 3 टाइम्स x, ठीक है. y प्लस y प्लस y प्लस y कितना होगा, 4y, 4y, अच्छा फोर टाइम y, या अच्छा 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x. वेरी गुड, जरा इस सब को कॉपी कर लो. एलजेब्रा के लिए मैंने, ये एलजेब्रा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रा, ठीक है ना, तो इसके मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, मैं शेयर कर दूंगा. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 12 प्लस 2x इक्वल्स 90. तो ये तो अब सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2x इक्वल्स 90 माइनस 12, ठीक है, 2x इक्वल्स टू कितना माइनस कर दे, माइनस करेंगे 78 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 2, कितना है, 12 प्लस 39, 12 प्लस 39, अच्छा हाँ सेकंड एंगल का तो आपने निकाल लिया, ठीक है, 12 प्लस 39 कितना हो गया, 51 डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट एंगल 51 डिग्री और सेकेंड एंगल तो ऑलरेडी x था ही, सेकेंड एंगल x था ना. वैसे मैं ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अब जैसे 51 निकल चुका है तो 90 माइनस 51 कर दो, वो भी कर सकते नहीं, फिर तो वो सही आंसर आएगा, या मेरे को तो लग रहा है कि इसमें डिफरेंस छूट जाएगा. 39, 90 माइनस 39 करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा.
ये आपका आंसर हो गया खत्म। ये प्रेजेंटेशन देनी इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले, ये सेकंड सेकंड का 39 के साथ। सेकंड एंगल क्या था? एक्स था ना? हाँ। एक्स क्या है? ठीक है, जरा कॉपी कर लो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आ जाता है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग विच यू हैव टू शो।